नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी गैप, इसी को बैंड थ्योरी भी बोल सकते हो। इसमें पहले दो टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए, एक VB और एक CB, है ना। ये क्या है पहले समझिए, द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड या VB, ठीक है। या फिर बोल सकते हो आप कि कोई भी सपोज एटम है और उसका जो लास्ट जो क्लास है, यदि वो फिल्ड है, यदि उसकी लेवल जो है एनर्जी लेवल यदि फिल्ड है, तो उस बैंड को या उस एरिया को या उस जोन को हम VB बोलेंगे, ठीक है। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड एरिया है वो, ठीक है। इसी तरीके से द लोएस्ट अनऑक्यूपाइड एनर्जी बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड या CB बोलते हो आप इसको, या अनफिल्ड बैंड, मतलब एटम की वो क्लास लास्ट वाली जो अनऑक्यूपाइड है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है, जो वैकेंट है, ठीक, उसको आप कंडक्शन बैंड बोलेंगे, और जो फील्ड है उसको अपन वैलेंस बैंड बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि एनर्जी गैप जो होता है वो कंडक्टर्स में किस तरीके का होता है। जैसे सपोज ये एनर्जी लेवल्स हैं, है ना, ये CB है और VB है, तो इन दोनों में, मतलब फील्ड एरिया और अनफील्ड एरिया, ये जो दोनों बैंड्स हैं, इनके बीच में एनर्जी गैप जो होता है वो कैसा होता है, होता ही नहीं है। मींस कोई भी गैप नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फील्ड एरिया है, ठीक है, फील्ड एरिया जिसको आपने क्या बोला, VB कहा, और वैकेंट को क्या बोला आपने, CB बोला, तो जो वैलेंस बैंड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फील्ड एरिया से, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनफील्ड एरिया में, मींस कंडक्शन बैंड में, वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन ही क्या है, कंडक्टिविटी शो करता है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है, या एक हिस्सा, एक सिरा यदि हम गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा अपने आप गर्म होने लग जाता है, ठीक है। उनमें कंडक्शन होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी जो होगी उसमें पास होगी, क्योंकि फील्ड इलेक्ट्रॉन्स अनफील्ड एरिया में चले जाते हैं, ठीक है, तो एनर्जी गैप इसमें नहीं होता। अब यदि इंसुलेटर की बात करें तो हम कहते हैं कि इनमें कंडक्टिविटी शो होती ही नहीं है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका जो वैलेंस बैंड है, जो फील्ड इलेक्ट्रॉन का जो एरिया है वो, और कंडक्शन बैंड जो अनफील्ड एरिया है वो, उन दोनों एनर्जी लेवल्स में बहुत गैप होता है। तो एनर्जी गैप जो होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फील्ड एरिया के, उस कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाते, क्योंकि ये जो गैप है वो इनमें ज़्यादा होता है, इसीलिए ये कंडक्टिविटी बिल्कुल शो नहीं करते, ठीक है। तीसरे होते हैं सेमी कंडक्टर्स। अब सेमी कंडक्टर्स में जैसे फील्ड इलेक्ट्रॉन जोन जो है, मीन्स VB जो है उसमें, और कंडक्शन बैंड मीन्स अनफिल्ड एरिया जो है, इसमें एनर्जी गैप छोटा होता है, कम होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी भी रीज़न से, या डोपिंग के थ्रू, या किसी भी हीटिंग के थ्रू, या किसी भी मैशिंग या हैमरिंग के थ्रू, एक्साइटमेंट से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एनर्जी गैप को क्रॉस करके उस कंडक्शन बैंड में या अनफिल्ड एरिया में वो जा सकते हैं। मीन्स स्टार्टिंग में सेमी कंडक्टर जो रहते हैं वो कंडक्टिविटी शो नहीं करते, लेकिन डोपिंग के बाद वो कंडक्टिविटी शो करने लगते हैं। तो इसका यही रीज़न है, क्योंकि इन दोनों बैंड्स में एनर्जी गैप कैसा है, स्मॉल है। चलिए अब इस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। तो ये जो पेज अब मैं बताने वाली हूँ, ये सम अप है जो जनरली ऑब्जेक्टिव्स में काम आएगा और बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। देखिए, अब मैंने आपको बताया था 4:4 कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा, इसका क्या मतलब हुआ कि एक एटम, जैसे पहला वाला है, जैसे जिंक है, तो वो जिंक 4:4, तो जो सल्फ़र है दूसरा, वो किससे सराउंडेड है, मतलब जिंक 4 सल्फ़र से और एक सल्फ़र 4 जिंक से, तो 4:4 कोऑर्डिनेशन हुआ। और FCC इनका पैटर्न होता है क्यूबिक का। फिर इसके बाद 8:8 कोऑर्डिनेशन में एग्जांपल है इसका सीजियम क्लोराइड, मतलब सीजियम 8 Cl से घिरेगा और 1 Cl 8 सीजियम से घिरेगा, ठीक है, और ये BCC पैटर्न का होता है, ठीक। इसी तरीके से 6:6 कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, NaCl एग्जांपल होगा और वो FCC पैटर्न का होगा, ठीक है। अब 8:4 में क्या होगा, CaF2 इसका एग्जाम्पल है, FCC पैटर्न है, इसका मतलब ये हुआ कि एक 4 से सराउंडेड है तो दूसरा 8 एटम से सराउंडेड है आपस में, ठीक। 4:8 में क्या होगा, इसी तरीके से क्या होगा कि ये वाला जो पहला वाला है वो 8
सेकेंड वाले एटम से सराउंडेड है और ये वाला एटम बाद वाला जो है वो पहले इसके चार एटम से सराउंडेड होगा, तो उसको 4:8 कोऑर्डिनेशन कहेंगे। एग्जांपल से ये नोट कर लीजिए जो एफसीसी पैटर्न में आएंगे। ठीक, फिर हमने सीखा था एससी जो क्यूबिक सेल होती है उसमें नंबर ऑफ एटम्स एक होते हैं, बीसीसी में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ एटम दो होंगे और एफसीसी में फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ एटम्स चार होते हैं। ये मैंने पूरा आपको निकाल करके तरीके से बताया था। ठीक, फिर डोपिंग याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव पर्पज से, डोपिंग मीन्स एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज। ठीक, फिर उसके बाद एक आता है ब्रैग इक्वेशन क्या है, तो आप ये याद कर लीजिए एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, जहाँ पर n क्या है, ये है डिफ्रैक्शन ऑर्डर, ये कोई भी नंबर हो सकता है 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। लैम्डा क्या चीज़ है, ये वेवलेंथ कहलाती है, 2 कांस्टेंट होगा, d क्या चीज़ है, डिस्टेंस होगी और साइन थीटा जो होगा वो उनके बीच होने वाला एंगल है। ठीक है, तो ये आप लर्न कर लीजिए किस पॉइंट को क्या कहा आपने और इस इक्वेशन का पूरा तरीके से फॉर्मूला। इसके बाद डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल यदि पूछे तो इसका फॉर्मूला बनना चाहिए, इसको डी से डिनोट करेंगे तो डी इज इक्वल टू होगा जेड एम अपॉन ए क्यू एन जीरो, जहाँ पे जेड क्या चीज़ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, जैसे एस सी में 1 फिक्स होगा, बी सी सी में 2 और एफ सी सी में 4, है ना। तो देख लेना कि कौन सा एग्जाम्पल दे रखा है और वो किस पैटर्न का है, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स ये आपको कॉन्स्टेंट पता होने चाहिए वो होगा जेड। एम क्या होगा, उसका एटॉमिक वेट होगा या मॉलिकुलर वेट होगा जिस भी वे में है वो। ए क्यू जो होगा वो लेंथ ऑफ यूनिट सेल है और एन जीरो होता है एवोगाड्रो नंबर जो फिक्स होता है कितना 6.023 × 10^23 पार्टिकल्स। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को दिखाएगा। अब इनमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग करके वो उसको फाइंड करना बता सकते हैं, बाकी चीज़ें आपको दे देंगे, एक चीज़ मिस कर देंगे तो इस फॉर्मूले को आप लगा करके आप ये सारे टर्म्स को निकाल सकते हो। जनरली या तो डी निकालने को पूछती या एम निकालने को बोलते, तो एम यदि बोले तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी ए क्यू एन जीरो अपॉन जेड, इसको पुट करिए सॉल्व करिए और आंसर। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक टर्म और रह गया, वो होता है वॉइड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वॉइड का मीन्स क्या बताया था, होल या गैप। तो टेट्राहेड्रल में क्या होगा कि जैसे सपोज ये कोई सॉलिड है और ये एक लेयर है, है ना, एक लेयर है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की और दूसरी लेयर उसके ऊपर, एज्यूम करिए आप। तो मैंने सिर्फ ये चार पार्टिकल्स को बताया है कि नीचे वाली जो है वो सॉलिड है और जो ऊपर उसके जो ट्रैप कर रही है वो ये डॉटेड लाइन से मैंने उसको बताया है। तो सपोज कभी एक ऐसा वॉइड जैसे 3 नीचे वाली लेयर में और एक इन तीनों के ऊपर आकर के यदि एटम क्या करे, ट्रैप करे, तो वो जो आप देख रहे हो जो वॉइड है वो कितनों से सराउंडेड हो गया, 3 नीचे और 1 ऊपर वाला, मतलब 4। वो जो वॉइड है वो 4 एटम से सराउंडेड हो रहा है, इसलिए ऐसे वॉइड को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक, और एक दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल, उसमें एज्यूम करिए ये जैसे पिंक वाले पार्टिकल सपोज नीचे वाली लाइन है, है ना, नीचे की रो है पूरी और उसके ऊपर जो लेयर आ रही है सपोज वो ग्रीन है, और कैसा अरेंजमेंट है, जैसे 1, 2, 3 नीचे हैं तो जो उसके ऊपर आकर के ट्रैप करेंगे वो 1, 2, 3 इस तरीके से आकर के सेकंड लेयर को वो बनाएंगे, मतलब 2D स्ट्रक्चर होगा ये। ठीक है, तो अब इसमें एज्यूम करिए कि जो वॉइड है वो कितनों से सराउंडेड हो गया, 3 नीचे वाले और 3 ऊपर वाले, मतलब जो वॉइड है वो 6 पार्टिकल्स के बीच में छुप गया, तो ऐसा वॉइड कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल इससे बोलते हैं होता वो 6 पार्टिकल्स से, यदि आप इसको इस तरीके से समझो तो देखिए ये वॉइड की बात हो रही है और 1, 2, 3, 4 पार्टिकल्स एक प्लेन में और एक ऊपर और एक नीचे पिरामिड बना ले, तो इस तरह से वॉइड 6 पार्टिकल से सराउंडेड होता है, लेकिन इसका जो ये जो एजेस बनती हैं वो 8 बनती हैं, इसलिए इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कहते हैं। ठीक है, और वो जितनों से सराउंडेड होगा वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, तो ऑक्टाहेड्रल में वॉइड 6 से सराउंडेड होगा और टेट्राहेड्रल में 4 से सराउंडेड होगा।